342 आपका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लिस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 65, अ कस्टमर पेज 56.16 फॉर इट, ही वॉज गिवन टू सक्सेसिव डिस्काउंट, वन ऑफ देम बींग 10%, द अदर डिस्काउंट इज, बोल रहे कि एक लिस्ट प्राइस था 65 रुपीज। अब आपको क्या किया है, ये वाली चीज दी गई है, ये वाली चीज दी गई है और ये दिया गया, आपको ये वाला फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में। देखिए मार्क प्राइस आपको कितना दिया, 65 रुपीज। सेलिंग प्राइस, फाइनल सेलिंग प्राइस आपको कितना दिया गया, 56.16 रुपीज। फर्स्ट डिस्काउंट आपको बताया कि एक डिस्काउंट तो 10% का मिला है और हमें बताना है कि उसको सेकेंड डिस्काउंट कितने परसेंट का मिला होगा, तभी उसने ये इतना पे किया। देखिए अगर हमें पता है कि हमें 10% का एक डिस्काउंट मिला है तो हम इसका 10% तो निकाल सकते हैं ना, फर्स्ट सेलिंग प्राइस तो हम निकाल सकते हैं। तो 65 × −10 × 100, तो इट विल बी 90/100 × 65, राइट। तो इट विल बी 58.5 रुपीज बन गया वो। ये चीज समझ आई, SP1 हमने निकाल लिया, फर्स्ट SP निकाल लिया। अब इसके ऊपर कुछ डिस्काउंट मिला होगा, वो हमें क्या मिला, 56.16 हमारा फाइनल SP होगा। तो अगर हम SP1 में से फाइनल SP माइनस करें तो हमें पता लग जाएगा कि हमें कितना डिस्काउंट मिला। परसेंटेज में तो नहीं पता लगेगा लेकिन हमें डिस्काउंट पता लग जाएगा कि कितना माइनस हो रहा है। तो 58.5 − 56.16, ये कैलकुलेट कीजिए कितना डिस्काउंट हुआ ये, फास्ट। यस, हु विल टेल द आंसर, कितना डिस्काउंट हुआ, अध्यान। मैम 3%। परसेंटेज तो आएगा ही नहीं बच्चे, रुपीज में आ रहा है अभी आपका डिस्काउंट। डिस्काउंट है, डिस्काउंट परसेंट तो है ही नहीं अभी। यस साक्षी। मैम 1.89। नो बच्चे, सिंपल माइनस करना आप लोग, वो भी गलत कर रहे हो। यस यास्मिन। मैम 2.34। वेरी गुड बच्चे, 2.34 का आपको डिस्काउंट मिला है। आपको डिस्काउंट किसके ऊपर मिला है, इस प्राइस के ऊपर मिला है ना डिस्काउंट। हमने जब सेकेंड डिस्काउंट निकाला था वो हम इस प्राइस के ऊपर निकालते हैं ना, तो हमारा डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, डिस्काउंट बाय 58.5 × 100, और डिस्काउंट हमारा कितना है, 2.34 डिवाइडेड बाय 58.5 × 100। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको मिल जाएगा आंसर इज 4%। कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको, क्लियर। तो कैलकुलेशन के बाद आपको आंसर क्या मिलेगा, 4%, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू द डिस्काउंट सीरीज ऑफ 20%, 10% एंड 5% इज। अगर हमें बोला जाता है कि तीन डिस्काउंट हमें दिए जा रहे हैं और हमें उसका सिंगल डिस्काउंट बताना है कि कितना होगा, तो आप, मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला कल बताए थे, A+B+AB/100, ये वाला फॉर्मूला मैंने कल बताया था ना, कि अगर A% प्रॉफिट है एंड B% प्रॉफिट है तो दोनों का इक्विवेलेंट सक्सेसिव प्रॉफिट्स अगर हमें मिलते हैं तो हम इक्विवेलेंट प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, इस फॉर्मूला से निकालते हैं, राइट। तो आपको ये वाला एक ही फॉर्मूला याद रखना है, इक्विवेलेंट प्रॉफिट सिंगल, एक सिंगल प्रॉफिट होगा इतना,
ठीक है, आपको एक ही फॉर्मूला ये वाला याद रखना है इसमें। अब देखिए हमारा क्या होता है, डिस्काउंट करने से क्या होता है हमें जी, प्राइस माइनस में होता है, सॉरी यस आई एम ऑडिबल, डिस्काउंट करने से हमारा क्या होता है, नेगेटिव होता है राइट, तो इट विल बी -20 -10 प्लस -20 इनटू -10 डिवाइडेड बाय 100। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, -20 -10 कितना हो जाएगा -30, इट विल बी प्लस 200 बाय 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 200 बाय 100 इट विल बी 2, तो -30 प्लस 2 दैट इज -28%। तो आपका कितना डिस्काउंट हुआ, वो माइनस इसलिए आया है बिकॉज इट इज अ डिस्काउंट, माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है, डिस्काउंट को इंडिकेट कर रहा है ठीक है। तो आपको 10 और 20% का इक्विवेलेंट कितना हुआ, देखिए अगर हम इनको ऐड करते हैं तो हमें 30% मिलता है, लेकिन एक्चुअली हमें डिस्काउंट कितना मिलता है, 28% का डिस्काउंट मिलता है। ओके अब आपको ऐसे ही सेम मेथड से कैलकुलेट करना है 28% और -5%, इन दोनों का सेम मेथड से आप कैलकुलेट कीजिए सभी फास्ट। Yes. किया किसी ने कैलकुलेट, देखिए -28 -5 प्लस -28 इंटू -5 डिवाइडेड बाय 100, 5 ones are 5 twenties are 2 tens are 2 14s are, तो इट विल बी -33 प्लस 1.4। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, तो 33 में से जब आप 1.4 माइनस करोगे तो यू विल गेट -31.6% राइट। तो आपको एक्चुअली देखिए 20, 30, 35, अगर आप इन सबको टोटल करते हो यू आर गेटिंग 35%, लेकिन आपको 35% का डिस्काउंट नहीं मिलता है, आपको 31.6% का डिस्काउंट मिलता है एक्चुअली। फॉर्मूला ये सबको अप्लाई करना आ गया, एनीबडी हैविंग एनी डाउट इन दिस, सो आवर आंसर इज 31.6% ऑप्शन सी। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट प्रॉफिट परसेंट इज मेड बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट अ सर्टेन प्राइस, इफ बाय सेलिंग एट 2/3 of that price, there would be loss of 20%। वो बोल रहे हैं कि अगर एक प्राइस पे उसको बेचने पे कितना हमें प्रॉफिट होगा, कब अगर उसको हम 2/3 प्राइस पे बेचते हैं, तो हम सेलिंग प्राइस को मान लेते हैं SP और कॉस्ट प्राइस को मान लेते हैं CP, ठीक है। तो हमें बोलते हैं कि अगर हम इसके इस प्राइस के सेलिंग प्राइस के 2/3 प्राइस पे उसको बेचते हैं तो हमें कितना लॉस होता है, 20% का लॉस हो रहा है। तो 20% का अगर लॉस हो रहा है तो 100 माइनस 20 बाय 100 इनटू सीपी, तो इट विल बी 80% ऑफ सीपी आ जाएगा, इज इक्वल टू 2/3 SP। इतने में बेचने पे हमें 20% का लॉस हो रहा था, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 4/5 हियर। तो सीपी बाय एसपी का रेशियो आपका क्या आ जाएगा, 2 × 5 / 3 × 4, 2 1s are 2 2, तो इट विल बी 5/6, सीपी और एसपी का आपका रेशियो आ गया 5/6। तो यहां से जब भी आपको सीपी और एसपी का रेशियो मिल जाएगा तो आप क्या करेंगे, सीपी मानेंगे ये,
और SPA. CP is equal to 5, SP is equal to 6. तो प्रॉफिट कितना होगा? Who will tell me? Yes, Adhyan. What will be the profit? Yes, बच्चे बताइए. What will be the profit? CP is 5, SP is 6. Yes, Yuvraj. Yuvraj, turn your video on, everybody, fast. Yuvraj, what will be the profit if CP is equal to 5 and SP is equal to 6? Yes, Anirban. Anirban. Yes, ma'am. What will be the profit? CP is equal to 5 rupees and SP is equal to 6 rupees. So, profit ka formula kya hota hai? Ma'am, SP minus CP. Very good. So, profit kitna hoga? SP minus CP, 6 minus 5, which is equal to 1. तो प्रॉफिट परसेंट कितना होगा? यस देवांश. मैम वन. प्रॉफिट परसेंट, बच्चे प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? यस, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर प्रॉफिट परसेंट? Yes, Anirban. Ma'am, profit upon CP into 100. Very good. Yes, Chirag, explain the question. आगे कैसे होगा? Profit कितना है? Ma'am, profit हमारा 1. Very good. CP? Ma'am, 1. Ma'am, 5. Multiply 100. So, ma'am, 20% answer. वेरी गुड. तो प्रॉफिट परसेंट आपका कितना होगा अगर आप इस प्राइस पे उसको बेचोगे